Welcome, ma'am. Thank you. Oh, it's so hot. Wonder how people are living here. टिश्यू पेपर गाड़ी में है मैम, नोट से मत पूछिए। लुक, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। आई वैल्यू मनी ओनली इन डॉलर्स, नॉट इन रुपीस। मैम फोन। हाय डैड। तुम पहुंच गए बेटा? यहाँ सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बस पहुंच रही हूँ, आई एम ऑन माय वे। ओके स्वीटहार्ट। वेलकम। हाय डैड। कैसी है मेरी बिटिया? यू लुक गुड। ताऊ जी। आओ बेटी। यजमान। अब तो सब लोग आ गए हैं, अब पूजा शुरू की जाए। ऑफ कोर्स। एक मिनट रुकिए, कोई और भी आने वाला है। कोई और? कौन सी एम आ रहे हैं क्या? यस, चैलेंजिंग मैन। इस मजदूर के लिए आपने मुझे वेट करवाया? इसके हाथ से भूमि पूजन करवाएंगे? देखो बेटा, पकवान में हलवाई का गुण देखा जाता है, संगीत में संगीतकार का हुनर देखा जाता है, उसी तरह हमारे बिजनेस में मिस्त्री के हाथों का हुनर देखा जाता है। बिजनेस चलाने के लिए हाथ की नहीं, दिमाग की जरूरत होती है, और उसके लिए एजुकेशन चाहिए। हमारे पूर्वजों ने हमें ये शिक्षा दी है, पता है वो क्या है? आज जो मजदूर हैं वही कल मालिक बनेंगे। तेरे अंदर इतना घमंड, तू मुझे सिखाएगा? ये इसका घमंड नहीं है बेटा, संस्कार है जो इसके खून में है। ये सब लेक्चर आप मुझे मत दीजिए प्लीज। हम पसीना बहाकर पैसा कमाते हैं, और आप उसी पैसे से अपना पसीना पोंछ रही है। अच्छा है। ए, मैं सिर्फ डॉलर्स की ही वैल्यू करती हूँ, ये रुपए मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। ऐसे कहने वाले कितने आए और कितने गए। हमारे देश में पैसे को लक्ष्मी मानते हैं और नारी को महालक्ष्मी मानते हैं। जो संस्कारों को भूल गया वो धूल में मिल गया। याद रखना, चलता हूँ सर। मैडम, ये क्या चीज है? ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। मैं देश विदेश घूमकर आई हूँ, ऐसे लोगों को हैंडल करना जानती हूँ। इस संसार में कुतुब मीनार, चार मीनार जैसे एक ही पीस है ना, उसी तरह हमारा गुरु भी सिंगल पीस है, मास्टर पीस। उसको सिर्फ देख सकते हो, छू नहीं सकते। हाई वोल्टेज। देखा ना मैडम, सब लोग तुम्हारे ताऊ जी के गुलाम हैं। वो अभी अभी कहकर गया है ना, आज जो मजदूर है वो कल का मालिक है, इसलिए कभी भी उसे मालिक बनने का मौका मत दीजिए मैडम। जो मुझसे टकराता है वो खाक में मिल जाता है। भले ही दो निवाला खाओ, माँ के हाथ से खाने पर पेट भर जाता है, सही बात है ना? यही है, यही तो है माँ का प्यार। बिल्कुल करेक्ट बोला यार। अगर तुझे बाहर से पूरी थाली भी मिल जाए ना, तो भी उसमें माँ के निवाले का मजा नहीं है। अरे अब चुप भी रहेगा, तुम सब मेरे ही तो बच्चे हो। माँ को क्यों परेशान कर रहा है? इनकी छोड़, मेरे लिए बहू कब लाएगा ये बता दे। ये लोग भी तेरी शादी का इंतजार क्या कर रहे हैं। माँ, तुम भी घुमा फिरा कर शादी की बात करते रहती हो। तो क्या करूँ मैं, कब तक तुम लोगों को बना बना के खिलाती पिलाती रहूंगी? हाँ अच्छा, ये सब तुम्हारे बच्चे ही है ना, इन्हीं में से किसी की शादी करा दो। अरे यार, तू कितनी अच्छी बातें करता है, मेरा दिल खुश हो गया। जब भी लड़कियों की बात आती है तेरा दिल खुश हो जाता है। लेकिन इसके खुश होने में थोड़ा सा फर्क है। वो क्या है? इसे लड़की देने के लिए कोई भी आगे नहीं आता। हा? और इन जनाब के पीछे लड़कियां पड़ी रहती, लेकिन ये उनको घास नहीं डालती। बेचारे, ये बूढ़े होने तक क्या तेरी शादी का इंतजार करते रहेंगे? बोल सुनो महाशय, परोसे हुए खाने को और शादी के लिए बैठी हुई लड़की को ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहिए। आप समझते क्यों नहीं हो? लड़की, दौलत और मिट्टी, ये तीनों आने वाली हों तो कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि ये तीनों किस्मत में लिखी होती हैं, और उनके आने का एक टाइम होता है। टाइम करुणा, करुणा ले, तू यहाँ बैठी है। भले ही तू भगवान की पूजा करे या ना करे, लेकिन इन परिंदों की सेवा करना तो कभी नहीं भूलती। मेरे लिए ये काम पूजा से बढ़कर है। वो कैसे? पूजा करके हम अपने लिए जो मांगते हैं वो बात पता नहीं भगवान तक पहुँचती भी है या नहीं, लेकिन ये बेजुबान पक्षी जब हमारे लिए दुआ मांगते हैं तो भगवान उसे पूरी किए बिना नहीं रह पाते। अच्छा, तो इनकी दुआ में इतनी ताकत होती है? और नहीं तो क्या, जो इनसे प्यार करते हैं, इन्हें पालते हैं, उनके लिए ये सच्चे दिल से दुआ मांगते हैं, बिना लालच के निस्वार्थ होते हैं ये सब। जानवर और पक्षियों को जिस घर में पाला जाता है उस घर में कभी दुख नहीं आता। तुम्हारी जैसे
किसी दयालु लड़की को कोई अच्छा सा लड़का मिले, ये पक्षी यही दुआ कर रहे होंगे। वो तो है, मुझे एक अच्छा लड़का मिल भी चुका है, वो भी मेरी ही तरह जानवर और पक्षियों से बहुत प्यार करता है। मंत्री जी, अब अपना काम बेझिझक प्रारंभ कीजिए। जो आज्ञा। बड़ी बड़ी इमारतें और बांध बनाते समय ऐसे ही मनुष्य की बलि जरूरी है। बलि देने से चाहे कैसा भी भूकंप आए, इमारत हो या बांध, वो अपनी जगह से कभी नहीं हिलता है। और साथ में हमें भी कोई नहीं हिला सकता स्वामी जी। आरडीएक्स। जय महाकाली। नमस्ते भाई। अभी बलि देकर आपकी आज्ञा का ही इंतजार कर रहा था, तभी आपका फोन आया। आज्ञा देने के लिए मैं कोई भगवान नहीं, डॉन हूँ। मैं डील देता हूँ। कौन सा डील? कैसीनो डील। कैसीनो डील? लास वेगास में और मकाऊ में जैसा है, उसी तरह से बैंगलोर में कैसीनो बनाने के लिए हमारे पास एक ऑफर आया है। बोलो आर्डिया। सिटी सेंटर के पास मुझे एक बड़ा प्लॉट चाहिए। बड़ा प्लॉट मतलब कितना? अराउंड 30 acres। 30 acres सिटी सेंटर के पास कहाँ है भाई? किसी न किसी तालाब को भरना पड़ेगा। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, जो तालाब भरा है उसे खरीद लो। ठीक है, ऐसा एक तालाब भरा हुआ है, कैंपा अमूदी तालाब। गुड, इसी वक्त कब्जे में ले लो। अरे अरे आरडीएक्स, अभी का अभी श्याम स्वामी की फाइल को आगे बढ़ाओ, ऐसा हंगामा यहाँ मचा है। ऐसे में अगर हम कैंपा अमूदी तालाब में अपना हाथ डालेंगे तो वो एक बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। नामुमकिन को मुमकिन करना आरडीएक्स की फितरत है। मैं जो तुमसे कह रहा हूँ सिर्फ वही करो। मजदूर थी ना, गायब हो गई तो क्या हो गया? जा ना इंजीनियर के पास या सुपरवाइजर के पास, देख गुलछर्रे उड़ा रही होगी। साहब वो वैसी नहीं है साहब। तुझे कैसे पता? साहब आप अफसर होकर भी कैसी कैसी बातें करते हैं साहब। नहीं, मजदूरों को सैल्यूट देकर इज्जत देनी पड़ेगी क्या? देनी पड़ेगी। मजदूरों को इज्जत देनी ही पड़ेगी। तुमको यह वर्दी पब्लिक की सेवा करने के लिए मिली है, उन पर राज करने के लिए नहीं। इज्जत से इसकी कंप्लेंट लिखो। एड्रेस क्या है? इसके पास आईडी प्रूफ है क्या? जात पात का तो पता नहीं है, 2 कौड़ी के मजदूर थू। इस देश में जन्मे हर एक आदमी का एड्रेस हिंदुस्तान ही है, और उसका हिंदुस्तानी होना ही उसका आईडी प्रूफ है। इसकी कंप्लेन लिख लो रे, कहीं कोई डेड बॉडी मिल गई तो इसे दे देना। जो मिसिंग होते हैं वो सभी मरे ही मिलते हैं, तो जितने मरे वो सभी मिसिंग ही थे। कहीं तुम भी इस पुलिस स्टेशन से मिसिंग ना हो जाओ। आवाज नीचे रख। मैडम ये कबूतर इनको चाहिए। हाय, ये मुझे चाहिए, तुम दूसरा ले लो। बात करने का कोई तरीका होता है? सो हार्श। तुम चाहती हो मैं रिक्वेस्ट करके तुमसे भीख मांगू? लुक, ये मुझे चाहिए, 10 गुना ज्यादा दूंगी। मैंने इसकी एडवांस में बुकिंग कराई थी और आज सारे पैसे भी लाई हूँ। खरीदने में ही इतनी परेशानी है तो पालने में कितनी तकलीफ होगी। ये पंछी अनाज के दाने खाते हैं, पैसे नहीं खाते। लुक, डोंट मेस विद मी, ओके? अगर मुझसे टकराओगी तो खाक में मिल जाओगी। तुम्हें अपने दौलत का घमंड है तो मुझे अपने सिद्धांतों का। मैं भी जिद पर आ गई हूँ, देखती हूँ कैसे लेती हूँ। देखिए, आप दोनों ने इस पक्षी को पसंद किया है, अब ये जिसे पसंद करेगा वो इसे ले जाएगा, तो देखते हैं ये किसे पसंद करता है।
भाई का फोन उठाने में तेरी नानी मर जाती है क्या? बात कर ले। हेलो। मैं हफ्ता खाता हूँ हलवा नहीं। तूने मेरा फोन नहीं उठाया, इसका फाइन तो लगेगा ही। अब बात हफ्ते से नहीं बनेगी, बोल कितना शेयर देगा। कुछ भी कर ले तू, मैं तुझे कुछ नहीं देने वाला। पैसा किससे और कैसे निकाला जाता है ये आरडीएक्स जानता है। लगता है तू नहीं मानेगा। ए, उसी के बिल्डिंग में उसकी बलि चढ़ा दो। ठीक है भाई। ए, काट कर डाल दो इसको। तो फिर उसे बचाने आ गया। हट जा रास्ते से। ए, मेरा रास्ता सीधा रहता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं। एक बार सीना तान के खड़ा हो जाऊं, हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। किससे टक्कर ले रहा है ये पता है तुझे? इंसान को देखकर मैं उसकी ताकत नहीं आंकता, और एक बार सीना तान लिया तो सामने कौन है वो नहीं देखता। मजदूर होकर शेर का कलेजा रखता है तू। ए, खून बहाकर पैसे कमाने वाले तेरे जैसे आदमी के अंदर इतनी गर्मी है, तो फिर पसीना बहाकर खून बनाने वाले हमारे अंदर कितनी गर्मी होगी सोच ले। तुझे आखिरी बार समझा रहा हूँ, ये मेरे आदमी तुझे मार के तेरी बोटी बोटी कर देंगे। ए, तेरे जैसे गीदड़ों की धमकियों से डर के हम सब यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे ऐसा सोचना भी मत। सबसे बड़ा होता है गुरु का आशीर्वाद, और वो हमारे साथ है। गुरु ने कहा है कि खुद तुम गलत मत करो और सहो भी मत। तेरी एक आवाज पे तेरे भाई, तेरी दूसरी आवाज पे पूरी आवाम, और तीसरी आवाज पे पूरा हिंदुस्तान जाग जाएगा। ये हाथ बढ़ा तो दोस्ती करेगा, और हाथ उठा तो काट के रख देगा। ए, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? भाई की सटकने से पहले यहाँ से कल्टी मार ले समझा। इसका हाथ उठ गया ना तो सीधा ऑपरेशन, नहीं तो क्रीमेशन। भागो यहाँ से। चलो रे, चलो। ग्रेट, वंडरफुल। जान, अभी भी फोन आया था कि आप पर अटैक हुआ है, पर आप तो हंसते हुए आ रहे हैं। सही वक्त पर आकर अमरीश ने मुझे बचा लिया, अब चिंता की कोई बात नहीं है। He is a real hero. सर, आप इतनी तारीफ करते हैं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। ये तारीफ नहीं है, हकीकत है। स्मिता, आज के बाद एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हारा होगा और कंस्ट्रक्शन इंचार्ज अमरीश होगा।
वो तो सर ये बहुत जिम्मेदारी का काम है, पता नहीं मैं इस काम को ठीक से कर पाऊंगा या शायद नहीं। फाउंडेशन डालने वाले को बिल्डिंग बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती, तुम्हारे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। सच कहूं तो तुमने मेरा दिल जीत लिया है, अब ना कहकर मेरा दिल मत तोड़ना। थैंक्स मेरे डैड की जान बचाने के लिए। कोई बात नहीं, बट जैसे तुमने डैड को इम्प्रेस किया है वैसे मुझे कभी नहीं कर सकते हो। सच कहूं तो उसकी जरूरत भी नहीं है। अमरीश, करुणा तुम यहाँ कैसे और कब आई? जब तुम उन गुंडों को मार रहे थे तब आई हूँ। अमरीश तुमको बड़े मालिक बुला रहे हैं। मैं बस अभी आया। इस कबूतर की भी बुकिंग की है क्या? वो कोई कबूतर नहीं है, बाज है। बार बार मुझसे उलझ मत वरना अच्छा नहीं होगा। बार बार तू उलझ रही है। मुझे तुझसे उलझने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं जहाँ जाती हूँ पीछे पीछे तू आती है। लुक, उस दिन तो तुम्हारे लिए मैंने उस कबूतर को छोड़ दिया। तुमने उसे नहीं, उसने तुम्हें छोड़ा था। तुम्हें मैं दोबारा ऐसा मौका नहीं दूंगी। भाई, एक मजदूर ने बीच में आकर हमारे पूरे प्लान को मिस कर दिया। लगता है बहुत दम है उसमें। भाई आप हाँ बोल दो तो मैं बुलेट उसकी खोपड़ी में उतार दूंगा। उससे पहले तू उसे अपनी खोपड़ी में उतार ले। तू एक मजदूर को गोली मारेगा, तुझे शर्म नहीं आ रही इडियट? हमारी बुलेट खाने के लिए भी हैसियत होनी चाहिए। पहले वो हैसियत उसे हासिल तो कर लेने दे, उसके बाद बुलेट उसके नाम करना। जब तू नेक्स्ट टाइम अटैक करेगा भले ही वो उससे ना मरे, एटलीस्ट धमाका जरूर होना चाहिए। करुणा मेरी बात सुनो, रुक जाओ करुणा। करुणा मेरी बात तो सुनो। मैं क्यों सुनूं? तुम्हें बैंगलोर आए कितने दिन हुए? मिलने आए एक भी बार? नहीं आए तो नहीं आए, कम से कम एक फोन तो किया होता। देखो तुम्हारी पढ़ाई में हमारी मोहब्बत दीवार न बने, इसीलिए तुम यहाँ आई ना। ऐसे में अगर मैं तुम्हें यहाँ परेशान करूँ तो फिर क्या मतलब रहेगा बताओ? सच कह रहे हो? नहीं मैं झूठ बोल रहा हूँ। तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता, पढ़ाई में भी मन नहीं लगता मेरा। पता है तुम्हें, जब से तुम्हें देखा है कितनी खुश हो गई हूँ मैं। लेकिन थोड़ा सा दुख भी हो रहा है। दुख हो रहा है? वो किस लिए? और क्या, वो आ गई थी ना वहाँ, चुड़ैल कहीं की, घमंडी है वो। उसे देखा तब पता चला तुम उसकी कंपनी के लिए काम करते हो। अच्छा तुम उसे जानती हो? जानती हूँ, अगर मेरा बस चले ना तो मैं उसका पूरा मुंह नोच लूँ। वो तो बस तुम वहाँ थे ये सोचकर मैं चुप रह गई। लो वो तुमसे भी लड़ बैठी ना। मतलब वो तुमसे भी झगड़ा कर चुकी है? वो तो बार बार चलता रहता है। चलता रहता है क्या? ए, झगड़ा मेरी माँ, वो तो क्रैक है। अब उसकी बातों को लेकर तुम अपना मूड क्यों खराब कर रही हो? छोड़ना, उस पर हमेशा ऐसे ही गुस्सा रहना। मेरे शोना, एक बात बताओ, वो जब भी मुझसे मिलती है अपने दौलत का घमंड दिखाती है। हमारी शादी तक तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है ना। हवा का रुख कब बदल जाए और औरत का दिमाग कब फिर जाए ऊपर वाला भी नहीं बता सकता। कही क्या बात करनी है? आई एम जयसूर्या फ्रॉम मयूरा ब्रिगेड कंस्ट्रक्शन ग्रुप। रिसेंटली मेरे ऊपर अटैक हुआ था, लकीली आई हैव बीन सेव्ड। मुझे अपना बिजनेस छोड़ना होगा या अपनी जान गंवानी होगी या फिर उनकी डिमांड को पूरा करना पड़ेगा। इन तीनों को छोड़कर आप कंप्लेंट कीजिए। मैडम क्या कंप्लेंट करूं और किस पर करूं? इस काम के पीछे RDX का हाथ है। वो मलेशिया में बैठकर मैनिपुलेट कर रहा है। ऑफिसर्स, यही है आप लोगों का मैनेजमेंट? अपने अपने एरिया को आप लोग ही कंट्रोल कर रहे हैं ना, या फिर गुंडे लोग? It's an organized crime syndicate, ma'am. चारों तरफ से नेताओं का इतना प्रेशर आ जाता है कि हम प्रॉपर एक्शन ले ही नहीं पाते मैडम। हम अक्सर केस की फाइल तो तैयार कर लेते हैं लेकिन गवाही के लिए कोई आगे नहीं आता। देखिए कर्नाटक अगर एक शरीर है तो बैंगलोर उसका हार्ट, और हम सब उस हार्ट को ट्रीट करने वाले डॉक्टर्स, और हम जिस ऑपरेशन को शुरू करेंगे वो है ऑपरेशन केम्पे गौड़ा।
देखिए, बैंगलोर की सारी समस्याएं एक दूसरे से इंटरलिंक हो चुकी हैं। इसीलिए खास समस्याएं ढूंढकर उन्हें जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए सही फैसले लेने की जरूरत है। क्रिमिनल्स को अपनी सारी एक्टिविटीज छोड़कर साइलेंटली सरेंडर करना होगा। रियल एस्टेट माफिया का भी खात्मा करना होगा। सुनो मंत्री जी, अगर इसे यूं ही छोड़ दिया तो ये हमारी जड़ तक पहुंच जाएगी। सावधान, जड़ तक पहुंचने के लिए मैं इसे छोड़ूंगा तभी ना। मैं इसी को जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा। क्या बात है पांडे, काम धंधा छोड़कर सिर्फ पेपर ही छान रहे हो? पेपर पढ़कर तेरे जैसा बोल बचन देकर वक्त गंवाने वाला दिखता हूँ क्या? मैटर पढ़ता हूँ मैं, मैटर। तू सिर्फ अपना ही क्यों देख रहा है यार, मेरा भी देखना। क्या कह रहे हो? भविष्य। तेरी जन्म कुंडली में कोई नक्षत्र सही घर में नहीं है, इसलिए तेरा भविष्य ठीक नहीं है। तेरे माँ बाप ने अपनी शादी से पहले कुंडली मिलाई थी क्या गधे? ये अंकल की किस्मत नील है, तेरी न्यूट्रल है। ये दोनों अनाज के दुश्मनों का कोई ठिकाना नहीं। वो क्या है ना, तुम सब लोग मेरे दोस्त हो ना, इसलिए मेरे किस्मत के बल पर तुम लोगों का अच्छा चल रहा है। अरे छोड़ना यार, चल तेरे ही ट्रैक में हम हमारी गाड़ी चलाते हैं। तेरा भविष्य इसमें क्या लिखा है तू ही पढ़ ले, चल। इस जातक के जीवन में बहुत जल्द एक कन्या का आगमन होने वाला है। राजयोग प्राप्त होगा, अपना संयम मत खोना। ये कौन सी धांसू लड़की है रे, जो तेरे रास्ते में आने की जरूरत करेगी? आ गई, वो देखो कितनी मीठी गुलाब जामुन आ रही है। सुन, तेरी जो ये सुंदरी है ना, उसे तेरा दुश्मन लॉक करे उससे पहले तू जा और खुद के लिए लॉक कर ले, वरना तेरी जिंदगी है ना न्यूट्रल बन जाएगी। नॉटी बॉय। रनिंग रेस तो तूने देखी है ना, तो फिर भाग ना यार, दौड़ मेरे राजा। अच्छा। ये मेरे लिए जन्मी है। ये टोपी बस यहाँ क्यों आया? अरे केले का छिलका। काला गेंडा। ए, excuse me. अरे, हेलो। अरे नाजुक पता है, टूट जाएगा। अरे नॉनसेंस। तेरी तो हट, तेरी हट। केले। काले मोटे गेंडे, तू बीच में क्यों आया बे? तू बीच में क्यों आया? उस लड़की को बचाने आया था कि पकड़ने आया था? ए, वो तेरी भाभी है बच्चे। ओए, भाभी होगी तेरी। ए, औकात में रह तू। ए, उंगली मत दिखा। क्या पैर दिखाऊं तुझे? ये तो कॉमन हीरो लोगों की फाइट है। फाइट करेंगे। चला जा। चलो। ए, खुल दो। ये क्या तुम दोनों आपस में जानवरों के जैसे लड़ रहे हो? ए मनमोजी। यस बॉस। सड़क पे जाती लड़कियां तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी लगती है क्या? अरे बॉस, क्या बॉस, मेरे बारे में पता नहीं है बॉस। लड़कियां तो मेरे लिए देवियां समान है बॉस। मैं उन्हें आरती की तरह छू के अपनी आंखों में लगा के मन शांत करता हूँ, और इसी बीच मेरी भक्ति में ये मोटू गैंग आ गया। क्यों भाई, किस लिए? देखे बॉस, बीच में इस मोटे साड़ ने आकर मुझे टक्कर मारी, इसीलिए लड़की मिस हो गई। पिछली बार इसने मेरे पिछवाड़े पर मारा था, तब भी लड़की मिस हुई थी। इस तरह इसने कई बार मेरी आरती को मिस किया, इसीलिए आज मैं इसकी जिंदगी को मिस करूंगा। देखो लड़कियों के चक्कर में तुम लोग पहले ही सड़क पर आ चुके हो। अब अगर उनको फॉलो करोगे तो सीधा गटर में जाके गिरोगे। लड़कियों के पीछे रहकर कभी किसी का भला नहीं हुआ। ये सुनो, मेरे बॉस कितना परफेक्ट बात कर रहे हैं, सुन ले तू। अबे तू सुन ले। अबे तेरी। अच्छा अब एक बात बता मनमोजी। हाँ? तू इतने दिन कहाँ गायब था? बिजनेस में लगा था यार। मेन में या साइड में? देखा, इसीलिए मैं इसे समझाने में लगा रहता। चुप। देखा ना बॉस, ये सब छोड़, यहाँ कैसे आना हुआ? बॉस, बैंगलोर में जिस साइट में हाथ डालता हूँ गड़बड़ हो जाती है, बिजनेस में बरकत ही नहीं है। इसीलिए आप अपने मालिक से बात करके मुझे कोई एक साइट में बिजनेस अगर दिलवा दे तो मैं यहीं पे सेटल हो जाऊंगा। सेटल करने जाओगे तो खुद अनसेटल हो जाओगे, ये बिना फायदे के कोई काम नहीं करता। ये तू मेरा फ्रेंड है कि फ्रेंड के रूप में मेरा दुश्मन है? भाई इसको समझा दो। तूने इसका साथ दिया तो ये भी तेरा साथ देगा, यही मतलब है? बात यही है ना कि मैं अपने मालिक से बात करूं, मैं बात कर लूंगा, तू जा। मेरा एक काम कर दो बॉस, मैं यहाँ बैंगलोर में तुम्हारे साथ, मैं कह रहा हूँ हम दोनों साथ में मिलकर बिजनेस करेंगे। हटा इसे। अबे कंगी है, डर मत। नमस्ते। नमस्ते, आइए आइए। मैडम नमस्ते, ये सभी मेरे साथी हैं और ये हमारी तरफ से। ओह बहुत अच्छा है, थैंक यू। बैठिए ना। थैंक यू मैडम। श्याम स्वामी जी की जगह आपको भेजा गया है, पूरी पावर देके भू माफिया को खत्म करने के लिए। ये जानकर हम सब लोगों को बहुत खुशी हुई। मैंने जनता से जो वादा किया है वही निभा रही हूँ, और कुछ नहीं। मैडम हम सभी बेंगलुरु टीम नाम से एक संस्था बनाकर रियल इस्टेट माफियाओं के खिलाफ जंग शुरू कर रहे हैं। कल तक हमें कोई मदद नहीं मिली थी, लेकिन आज मिलेगी, ये पूरा विश्वास है। मैडम इस मकसद में हम सभी हमेशा आपके साथ हैं। जी हाँ। थैंक यू।
ड्रॉप लगा क्या? वो है नहीं क्या? वो का मतलब? मतलब मेरे होने वाले? किससे बात कर रही है तू? माँ जी, मेरा नाम स्मिता है। आपका बेटा जहाँ काम करता है उसकी ओनर हूँ। बाप रे, सच में बेटी? आओ अंदर आओ। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। नमस्ते। दिखने में तो बिल्कुल परी जैसी लग रही हो, कहीं तुझे मेरी नजर ना लग जाए बेटी। ए, घर में आए हुए मेहमान से कोई दरवाजे पर खड़े होकर बात करता है। जा कुर्सी लेकर आ, जा जा जल्दी। रहने दीजिए माँ जी। क्यों बेटी, तुम यहाँ पहली बार आई हो ना, खाने पीने के लिए कुछ? अरे कुछ नहीं चाहिए माँ जी, रहने दीजिए। अरे नहीं, ऐसा मत कहो बेटी, कुछ ना कुछ तो खाना ही होगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। ए खड़ी खड़ी मुँह क्या देख रही है, कुर्सी ला कर दे। आ जा आ जा। अगर वो भी यहाँ होते तो अच्छा होता है ना? अरे बेटी, वो सुबह सुबह ही काम पर निकल जाता है ना। काम में वो बहुत सिंसियर है माँ जी, मैं तो एक्चुअली आपसे ही मिलने आई हूँ। मुझसे मिलने? क्यों बेटी, चाय लो। थैंक यू। आपकी बेटी को देखकर ही लगता है कि उन्हें जन्म देने वाली माँ कितनी महान होंगी। आपने उन्हें कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। हे भगवान, स्टोव को जलता ही छोड़ा। उनसे तो मुझे भी बहुत कुछ सीखना है। तुझे क्या सीखना है? मैंने सुना आप घर पर आई थी। जी हाँ, तुम सिंपल होकर भी सुपर्ब हो। तुम्हारे अंदर कोई ना कोई पावर जरूर है, वो पावर मुझे तुम्हारी ओर खींच रहा है। दिल कहता है तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लूं। आपको अगर मेरे बारे में जानना ही था तो मेरे दोस्तों से पूछ लेती। किससे पूछती? वो सीमेंट रेत के बीच काम करने वाले लोगों से। इंसान को जब ऊपर आने का मौका मिलता है, उसे पहचाने की नजर चाहिए। लेवल चेंज होने के बाद स्टैंडर्ड बदल जाता है। क्या कहा आपने? सीमेंट और रेती के बीच काम करने वाले? आपके साम्राज्य की बुनियाद वही लोग हैं। वो नहीं रहेंगे तो आप भी नहीं रहोगे। जब मैं तकलीफ में था तब उन लोगों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, और आज मेरे पास पैसा आ गया तो मैं उनका साथ छोड़ दूं? मैं कितनी भी ऊंचाई पर जाऊं, मेरा स्टैंडर्ड कभी नहीं बदलेगा। मैं कहीं भी पहुंचूं, पक्का लोकर ही रहूंगा। यही तुम्हारी यही अदा मुझे बहुत पसंद है, बट तुम बदल जाओ। बदलने के लिए मैं कोई बिकाऊ सामान नहीं हूँ, पैदाइशी खुददार हूँ। मुश्किल है बदलना। मतलब की बात कीजिए। ओके। मजदूर को मालिक बनने का एक मौका दे रही हूँ। अब तक बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स को संभालते थे, आज के बाद तुम इस स्ट्रक्चर को संभालोगे। Come on, Amrish. बुरे वक्त में मती मारी जाती है, ऐसी कहावत है, लेकिन न तो मेरी मती मारी गई है और ना मैं आपके साथ ये दांव खेलना चाहता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो अच्छे अच्छे मर्दों को अपने सामने झुका सकती हूँ। मैं सिर उठाकर जीता हूँ, और ये सिर झुकता है सिर्फ
तीन लोगों के सामने, जन्म देने वाली माँ के, रोटी देने वाले मालिक के और मुझे प्यार करने वाले मेरे अपनों के। इतनी हिम्मत की तुम मुझे चुकरा रहे हो? खोपड़ी घूम गई तो पक्का मवाली हूँ। देश के लिए सैनिक बनूंगा, जनता के लिए सेवक बनूंगा, लेकिन तुम्हारा गुलाम कभी नहीं बनूंगा। देखो, दूसरों के रास्ते में कांटे बोगी तो लहूलुहान खुद ही होगी। अमरीश, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप गलती ना करें इसके लिए आपको सीख दे रहा हूँ। आदमी को हाथ से समझाता हूँ और औरत को जुबान से। आप बीच के मत बनिए। मैं गिरने वाला मर्द नहीं हूँ, गिराने वाला हूँ। जो चीज मुझे नहीं मिलती वो किसी को नहीं मिलती। चीज और इंसान में क्या फर्क है पहले ये तो समझ लीजिए। देना या नहीं देना बात की बात है। जाते जाते एक बात समझाता हूँ, जो औरत अपनी मर्यादा नहीं जानती है वो शादी के बाद किस्मत चमकेगी। लड़की कहाँ मिल रही है यार? गुरु से सहायता के योग है। अरे 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 अरे, ये धुआं कौन डाल रहा है? अरे मेरे को भविष्य पढ़ने का था। श्री 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 सत्यानंद जी महाराज महास्वामी जी। ये तो जंगली जानवर लग रहा है, चलो आगे जाओ। मेरी आंखों की ज्वाला से तू जलकर भस्म हो जाएगा। अच्छा गुरु जी, मैं बहुत दिनों से एक लड़की से प्यार करता हूँ, उस लड़की को पाने के लिए मेरी आप सहायता कर दीजिए ना। मेरी समस्या क्या है? मेरा एक जानी दुश्मन है। कौन है वो? वो रहा गुरु जी। ये कालिया मेरे स्वामी जी को भड़का कर क्या समझा रहा है? फिर जाना पड़ेगा। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते नमस्ते। क्या बात है मनमोह जी, तुम यहाँ? ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने रति विज्ञान को ढूंढता हुआ आया था। वैसे क्या बात है? मैंने आपको इतना अच्छा घर दिलवाया है, फिर आप इस मोटे गैंडे कालिये के साथ रोड पर ऐसे ही कुत्ते की तरह क्यों घूम रहे हैं? मनमोह जी, तुमने घर तो दिलवा दिया लेकिन घर वाली कौन दिलवाएगा? क्या है ना गुरु जी, आप अपने मंत्र शक्ति से अपनी पुरानी प्रेमिका को वशीकरण करके खींच सकते हैं। मनमोह जी, मैं पुरानी वाली को ढूंढते हुए ही इधर उधर भटक रहा हूँ। तो आप उसे फोन क्यों नहीं कर लेते? तो येलो पेज ओपन करके देख लो, वहाँ भी मिल जाएगा। यहीं हाँ, इसकी एक समस्या है जिसे सुलझाने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। काले कैंडी की भी कोई समस्या हो सकती है क्या? खुद तो कोई लड़की सेट कर नहीं सकता, इसीलिए ऐसे लुच्चे लोफर की मदद लेकर अपनी सेटिंग करना चाहता हूँ। मैं लुच्चे लोफर का सपोर्ट लूंगा, तुझसे क्या मतलब? कान खोल के सुन ले, तो ये टकला मंदिर में बजाने वाला कोई तबला नहीं समझे, और उस लड़की से मेरा जन्म जन्म का नाता है। तुम दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है क्या? भगवान ने हम दोनों का नाम लिखकर पहले से ही उस किताब को बंद कर रखा है। तेरा नाम उस किताब में लिखकर बरसों गुजर गए, अब वो मेरी है। काले गैंडे, तू नहीं बचेगा। क्या नहीं बचेगा? नहीं बचेगा, बताओ तुझे बहुत हो गया। अरे वो मेरी है, मेरी है। क्या तुम लोग क्यों इस तरह लड़ रहे हो? क्या उसने कभी बताया कि वो तुम दोनों में से किसकी है? हूँ, कहाँ है वो बताओ? मुझे नहीं मालूम, नहीं मालूम। गुरु जी, यही है आपकी बहू। आ गई, एकदम पास आ गई। स्वामी जी, यू आर सो क्यूट। इसने तो हम दोनों को छोड़कर इस भूत को पकड़ लिया। ऐसे सड़क छाप मजनू हमें कभी परेशान न करे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए स्वामी। अवश्य तथास्तु। बाद में ना तुम मेरे ऑफिस में आ जाना, सामने झोपड़े में इनका ऑफिस है, जाइए। गया गया, हम दोनों का फ्यूज गया। गुरुजी, मेरे नाम का एक होम कीजिए, प्रसाद इस चिंपांजी को भेजिए और उस लड़की को मेरे घर में भेजिए। वो मुझे चाहिए। शर्मिला उस लड़की के लिए लड़ते हुए। अच्छा बताओ, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? ये पूछने वाला तू कौन होता? गुरुजी, गलती से जबान फिसल गई। ओहो, ये है तुम्हारी समस्या? यही है, ये ब्रह्म रहस्य है, आसानी से वो नहीं मिलेगी। फिर वो कब मिलेगी? नेक्स्ट पिक्चर। ये तो इंग्लिश बोल रहा है, कह रहा था नेक्स्ट पिक्चर में बताएगा। ये सब ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणाध्वजा, मंगलम पुण्यकाशा, मंगलाय तनो। अभी काम पूरा होना बाकी है, आप पहले से ही पूजा क्यों करवा रहे हैं? ऐसे मुहूर्त के लिए हमें 2 साल तक इंतजार करना पड़ेगा, इसीलिए हमारे मालिक आज ही पूजा करवा रहे हैं। यजमान, अक्षत पूरे घर में बिखेर दीजिए। अम्बरीश, जाओ चारों तरफ अक्षत बिखेर। ठीक है। रुक जाओ, हम पूजा करते हैं ताकि कोई बुरी ताकत, अनहोनी या बुरी बलाएं अंदर ना आ सके, और तू अंदर चला जा रहा है। निकल यहाँ से। क्या? जिस बिल्डिंग को हमने बनाया है उसमें हम पैर नहीं रख सकते? यह हमारी है।
हमारी नहीं, मेरी है। मजदूरी के पैसे तुझे मिल चुके हैं। टेलर शर्ट जरूर सिलता है लेकिन वो उसे खुद नहीं पहनता। स्मिता, जस्ट शट अप, ओके? आपकी वजह से ये इतना सिर चढ़ चुका है। कंपनी का ओनर ये है या मैं हूँ? इसके हाथ से पूजा नहीं हुई तो क्या बिल्डिंग गिर जाएगी या फिर हमारा काम रुक जाएगा? अमरीश, अगर तुम में जरा सा भी स्वाभिमान है तो अभी के अभी नौकरी छोड़ दो। अमरीश, अगर तू ही काम छोड़ देगा तो हम यहाँ रहकर क्या करेंगे? हम सब भी काम छोड़ देंगे। देख अमरीश, आधा खाना खाने से सेहत नहीं बनती और काम अधूरा छोड़ने से काम नहीं पूरा होता। आज उसने आधे में ही पूजा रुकवा दी है, सच में वो बर्बाद हो जाएगी। अमरीश, ऐसी बात नहीं करते। तुम सभी लोग काम छोड़ दोगे तो ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं सिर्फ ये नौकरी छोड़ रहा हूँ, ये कॉलोनी नहीं। तू अपने आप को समझता क्या है हा? तुझे बराबरी में बैठाना चाहा तो तू तो सिर पर ही जा बैठा। ए! After all, तू एक मजदूर है, मामूली मजदूर। तुझे जूती के नीचे ही रहना है। जिंदगी भर भी मेहनत करेगा ना तब भी इतना भी ऊपर नहीं आ पाएगा। छोटी छोटी गलियों में घूमने वाले रास्ता भटक जाते हैं, लेकिन मैं हाईवे पे चलने वाला हूँ। मैं बर्बाद हो जाऊंगा लेकिन गुलाम नहीं बनूंगा। तुम्हें एक बात समझाता हूँ, इंसान भले ही कितना ऊपर चला जाए, भले ही वो बादलों की ऊंचाई पर बिल्डिंग खड़ी कर दे, पर आखिर चलने के लिए उसे जमीन पर ही आना पड़ता है, ये मत भूलना। ए, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ना। अगर तुझ में हिम्मत है तो सिर्फ एक बिल्डिंग बना के दिखा दे। अरे हिम्मत तो मेरे नस नस में भरी हुई है, और चैलेंज को तो मैं एक खेल की तरह लेता हूँ, लेकिन चैलेंज भी उसी का एक्सेप्ट करता हूँ जो मेरे बराबर का हो। मेरी बिल्डिंग बनाने की बात को छोड़, तुम अपने डैड और ताऊ के सहारे के बिना अगर ये बिल्डिंग बना सको तो बना कर दिखाओ। मेरा कॉन्फिडेंस खोखला नहीं है। इस संसार की सारी औरतों को एक ही बीमारी है, मर्दानी शौक। मैं जीत कर दिखाऊंगा। भले ही ये शब्द मेरे हैं लेकिन सिखाए हैं मेरे गुरुजी ने। उन्होंने जो मुझे राह दिखाई है मैं उसी पर चल के दिखाऊंगा। नीचे उतारो मुझे। अम्बरीश, माफ कीजिए सर, आपने विश्वास से मुझे काम सौंपे थे, कंपनी की जिम्मेदारी भी दी थी, लेकिन मैं आपको बिना बताए छोड़ा है। माफ करने वाला मैं कौन होता हूँ बेटा? वो तुम हो। तुम्हारी काबिलियत को जाने बिना ही उसने तुम्हारी बेइज्जती कर दी। पर हाँ, तुमने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया और इस बात से मुझे बहुत खुशी हुई। रोटी देने वाला हाथ जब बेइज्जती करे तो ऐसा करना ही पड़ता है सर। सर, एक बिल्डिंग बनाने में, एक 5-स्टार होटल बनाने में, एक मॉल बनाने में इतना ही क्यों? एक छोटा घर बनाने के लिए भी मजदूर लगता है और उसके बाद वो अशुद्ध हो जाते हैं। मैंने सही कहा ना सर? बेशक अम्बरीश। इसीलिए उस घमंड की पुतली को मैं एक अच्छा सबक सिखाना चाहता हूँ। मतलब? मैंने खुद की एक कंपनी खोलकर, बिल्डिंग बनाकर बिजनेस करने का फैसला किया है। क्या? गुड। जिस चीज की भी जरूरत हो ना तुम्हें बिना संकोच के मांग लेना। मेरी ताकत मेरे गुरु हैं और मेरी दौलत ये मेरे अपने हैं। सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए सर, बाकी सब ये संभाल लेंगे। लो, घंटी भी बज गई, इससे शुभ समय और क्या हो सकता है। वो सब तो ठीक है लेकिन बिल्डिंग बनाने के लिए प्लॉट कहाँ है? वो काम तुम्हारा फ्रेंड करेगा। अमरीश, एक NRI प्रॉपर्टी है, वो नागा रेड्डी गैंग वाले उसे कैप्चर करने वाले हैं। उन्हें फेस करके लिटिगेशन को क्लियर कर लेंगे तो पोजीशन दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी।
क्यों बे? हमारे इलाके में तूने कदम रखा? उस दिन वो तेरा इलाका था, वहाँ तेरे लोगों के बीच हम थे, आज तू हमारे बीच है, हिम्मत है तो बच के दिखा। फाइट करने के लिए चाहिए ग्राउंड, बैकग्राउंड नहीं। दोबारा कभी टांग अड़ाने की या टकराने की कोशिश की तो सर खरबूजे की तरफ फोड़ दूंगा। चल। आजकल जो हमारे सामने खड़ा है वो है सूर्य नारायण और उसकी टीम। उसके लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है। वो क्या है? स्मिता, सच्चाई के लिए ताऊ और भतीजी अलग अलग हो गए हैं। कैबिनेट में फाइल के अप्रूवल के साथ ही कैसीनो का नेव हम रख देंगे। सुपर। और टीम के बारे में क्या सोचा? उसके लिए मैंने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लान बनाया। सर, यही है स्मिता मैडम। नमस्ते मैडम। नमस्ते। ओल्ड रिनाउंड आर्किटेक्ट बनाने का बहुत ही अच्छा मौका आया है, जो हमेशा से आपका सपना रहा है। बिल्कुल। वो क्या? कैशिनो। कैशिनो कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट पूरा करने की जिम्मेदारी मैं आपको दे रहा हूँ। तुम अपने डैड और ताऊ के सहारे के बिना अगर ये बिल्डिंग बना सको तो बना कर दिखाओ। डन, आई एक्सेप्ट इट, बट ऑन वन कंडीशन। वो क्या? होल एंड सोल टोटल वर्क कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग फाइनेंस मेरी कंपनी ही देखेगी। हाँ ठीक है। गेम तो शानदार है, प्लान जानदार है, प्रोजेक्ट वाली भी खूबसूरत है। लॉक करना ही होगा। माँ, भैया इस वक्त परेशान है, ऐसे में ये सब करने की क्या जरूरत थी? जी हाँ माँ, ऐसे समय में इसकी क्या जरूरत थी? अरे बेटा, हमें तकलीफ है ठीक है, लेकिन हम अपने रीति रिवाज कैसे छोड़ सकते हैं? मेरी बहना को क्या शिकायत है? भैया जब लड़की माँ बनने वाली होती है तो उसकी गोद भराई करके उसे ससुराल भेज देते हैं। तू तो बच्ची है और अब एक बच्चे की माँ बनेगी। हाँ। तो अपना ख्याल रखना, हमेशा खुश रहना।
इसी की बिल्डिंग है मैडम। थैंक यू। चलो तालियां बजाओ। इसका काम कब से शुरू कर रहे हो तुम? कैंपे गौड़ा जयंती के दिन सूर्य नारायण के सामने जनता के बीच। ये आप क्या कह रही हैं मैडम? जी हाँ, कैंपा अमोदी तालाब हड़पने का वो लोग प्लान कर रहे हैं। कितने नीच हैं ये लोग, हमारी जगह को हड़पने के लिए ऐसी साजिश, जयंती का दिखावा करके हमसे जुड़ने का नाटक कर रहे हैं। करने दो, मेरी सोच के मुताबिक वो लोग उसी दिन वहाँ भूमि पूजन जरूर करेंगे और हमने उन्हें उसी दिन अरेस्ट करने का प्लान किया है। सभी को मेरा प्रणाम। मेरे प्यारे साथियों, बेंगलुरु के हर एक वार्ड में कैंपे गौड़ा जी की जयंती मनाई जा रही है, लेकिन यहाँ उन्हीं का बनाया हुआ श्री कवि गंगाधर स्वामी के मंदिर और कैंपा अमोदी तालाब के बीच में जो चल रहा है वो खास है। समाज के कल्याण के लिए और जनता की सेवा के लिए मैं हमेशा से ही तैयार हूँ। हमारे पूज्य श्री 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 मधुरानंद स्वामी जी अपने आश्रम की तरफ से गरीब लोगों के विकास के लिए जो सहायता किए हैं उसके चलते हमारी सरकार ने तालाब के पास वाली 30 एकड़ जमीन उन्हें दान में देने का फैसला किया है। इसको स्टेज पे खड़ा ही नहीं होने देना चाहिए था। पूज्य स्वामी जी ने जनता के इस्तेमाल के लिए बहुमंजिला इमारत बनाने की हमें अनुमति दी है। बंद करो ये बकवास, तुमने जनता को भेड़ बकरी समझ रखा है। कैसीनो बनाएंगे ये लोग, उससे जनता का भला होगा क्या? कौन है, किससे तुम्हें ये बनाने की परमिशन दी, बोलो। देखिए सूर्य नारायण जी, सरकार को हम चलाते हैं, बिना जिम्मेदारी लिए कोई भी कदम हम नहीं उठाते हैं। दोस्तों आपको पता है उस जमाने का धर्मामुदी तालाब आज का कैंपा गोड़ा बस स्टैंड है, संपंगी तालाब जो आज का स्टेडियम है, चलगढ़ तालाब गोल्फ स्टेडियम है, सोले तालाब फुटबॉल स्टेडियम है, सिद्धि कट्टे तालाब हमारा केयर मार्केट बना है, न जाने कितने तालाब डेवलपमेंट के रूप में बदल चुके हैं। तो बताइए इन चीजों का इस्तेमाल कौन करता है? हमारी प्यारी जनता ही करती है ना। देखिए सूर्य नारायण जी, बेकार में टांग अड़ाने की कोशिश मत करो, ये सरकारी काम है, इसमें अड़ंगा डालोगे तो अरेस्ट हो जाओगे। सही कहा, लेकिन वो नहीं तुम। पब्लिक के बीच एक मंत्री को अरेस्ट करने की हिम्मत है क्या? सिर्फ अरेस्ट ही नहीं, तुम्हारे सारे ठिकानों पर रेड भी मारूंगी और इलीगल बिल्डिंग्स का डिमोलिशन भी करवाऊंगी। तुम जैसे चोरों को पब्लिक के सामने नंगा कर दूंगी, तभी तुम्हारी औकात क्या है ये जनता को पता चलेगी। किसकी औकात क्या है ये अभी पता चल जाएगा, मेरी औकात क्या है ये जानकर ही जनता मुझे चुन कर लाती है, लेकिन तुम्हारी औकात क्या है ये भी सबको पता चलना चाहिए। चार मवालियों को पालकर सरकारी जमीन हड़पने वाले तुम जैसे चोरों से मुझे अपनी औकात जानने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, हम तो कुछ नहीं कहेंगे, सब कुछ जनता ही कहेगी। ये मैडम बिल्डिंग डिमोलिश करने की धमकी देकर हफ्ता वसूल करती हैं। एक तो ठीक है, हम दो दो फ्लैट कैसे दे सकते हैं? महीनों से जांच पड़ताल चल रही थी और सारे पेपर सही निकले, फिर भी मैडम बिल्डिंग नहीं बनाने दे रही। सेंचुरी से एयरपोर्ट का रास्ता बनवाने में इन्होंने कितना हफ्ता वसूला था पता है? अभी कुछ ही सेकंड के अंदर होम मिनिस्टर साहब का फोन आ जाएगा। हेलो। इसकी बातों पर यकीन मत कीजिए, ये इसी का किया धरा है। सुनो महाशय, जरा चुप रहो, कैंपे गौड़ा के नाम से जो खेल तुम लोग खेल रहे हो भले ही जनता वो नहीं समझ रही, लेकिन कैंपे गौड़ा जी की आत्मा तो सब समझ रही ना। एए, चिल्लाओ मत, उस एग्रीमेंट को इधर लाओ। देखो सभी लोग, देखो इस एग्रीमेंट को,
गौर से देखो, जिस जमीन के लिए ये इंसान हमसे बहस कर रहा है उसी जगह पर कैशिनो बनाने के लिए राजी होकर एग्रीमेंट किया है इन्हीं की कंपनी ने, और इस पर खुद इनकी भतीजी ने साइन किया है। अब कुछ ही सेकंड में वो यहाँ आएगी और भूमि पूजन करेगी। सुनो मैडम, आज के बाद इस जगह के बारे में कुछ भी कहने की तुम्हारी औकात नहीं। तुम्हारा ये रणतंत्र है तो मेरा षड्यंत्र है। कैंपेगोड़ा जी की गिरबान पे हाथ डाल रहा है तू, अब तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इस कैंपेगोड़ा जी के डर से इस जगह को छोड़ दूं क्या? देखो कैसे खामोश खड़े हैं, अब तुम भी खामोश हो जाओ। हाँ, यहाँ कौन माइका लाल है जो हमें रोकेगा? चलो बजाओ रे, कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। चलो आओ सब। सर, सर, आओ मैडम। अगर एक इंच भी आगे बढ़े तो सबको काट के रख दूंगा। कौन है रे तू? केम्पे गौड़ा। Damn it! अब पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे आगे अपनी हेकड़ी दिखाकर उसने मेरा काम रोक दिया, उसे धूल चटाने के लिए अब मैं भी किसी भी हद तक जा सकती हूँ। बिल्कुल, ये सब तुम्हारे ताऊ जी का ही किया कराया है। अब मेरी ताऊ ही क्या, पूरा बैंगलोर भी मेरे खिलाफ हो जाए तब भी मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। चाहे कुछ भी करना पड़े मैं इस प्रोजेक्ट को टेक ऑफ करके ही रहूंगी। दोबारा वो कभी मेरे सामने ना आ पाए ऐसा उसे सबक सिखाना है। अब इस वक्त इसका कैसे फोन आ गया? हेलो, केम्पे गौड़ा की जयंती के दिन उस जमीन पर जनता के बीच भूमि पूजन करवाऊंगा, ये तूने कहा था, याद है? कहा तो था। उस मजदूर ने हमें तलवार दिखाई थी। कौन है वो? और कौन? कैंपे गौड़ा। कौन सा कैंपे गौड़ा? वो कोई कैंपे गौड़ा वाला नहीं है, वो एक मामूली मजदूर है। तो तलवार की धार उसे चखा दो। तलवार की धार से कटने वाला नहीं है वो, औलाद है। उस बिल्डर को हमारे अटैक से उसी ने बचाया था। मैंने उसी दिन बोला था उसके खोपड़े में बुलेट उतार देता हूँ। उस दिन आपने बोला था कि उसकी हैसियत नहीं है, लेकिन आज तो हैसियत हो गई है ना। बुलेट खाने की हैसियत वो कब का पा चुका है, लेकिन बुलेट चलाने की हैसियत अब देरी नहीं रही। तलवार की धार चखाने की कोशिश कर, नाकामयाब हुआ तो बुलेट उतारने के लिए मैं खुद आऊंगा। ठीक है आर्डियक्स। भाई, इस वक्त जो अपार्टमेंट उसने जिस जगह खड़ा किया है उसका सबूत सिर्फ जुबानी बोली पर है, पेपर पर कुछ भी नहीं है। उस स्टैचू से तलवार नीचे कैसे गिरी, फिर मैंने उसे क्यों उठाया, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सर। तलवार तूने खुद नहीं उठाई बेटा, उन्होंने ही तुझे दिया है। हाँ बेटा, अगर तुम उस वक्त उनका काम नहीं रोकते तो इस जमीन पर वो कब्जा कर लेते। बिल्कुल,
उस तलवार को उठाते ही मेरे शरीर में कुछ अजीब सी हलचल हुई। ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्यों किया, अब भी कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। अमरीश, ये काम तुम्हारे ही हाथों से होना है, ये इसकी शुरुआत है। सर, सुबह शाम आते जाते मैं उस स्टैचू को देखता रहता हूँ, फिर भी उनके बारे में कुछ नहीं जान पाया, तो फिर उनका काम कैसे कर पाऊंगा। मुझे लगता है मेरा यहाँ आने का मकसद कुछ और ही है। वो तुम्हारा मकसद है और ये केम्पे गौड़ा जी का। अम्बरीश, ये मिट्टी कुरुक्षेत्र की रणभूमि की तरह है, खून की प्यास से तड़प रही है। शैतानों के नाश के लिए वो तलवार अपने आप निकलकर इस धरती पर गिरी थी, इसलिए ये धरती अब उन दुश्मनों का खून पीकर ही रहेगी, तभी इसकी प्यास बुझेगी। और ये काम तुम्हें करना है अम्बरीश। उन्हें जरा गौर से देखो और अपने दिल से पूछो, उसके बाद कोई फैसला लो। आज से तकरीबन 500 साल पहले बाप, उनका इतना बड़ा इतिहास है, ये मुझे पता नहीं था सर। केम्पे गौड़ा जी का बनाया हुआ ये शहर माफिया के हाथों में ऐसे ही दे दे क्या? उस दिन की घटना के बाद ये साबित हो गया है कि माफिया और क्राइम की जड़ें कहां तक पहुंच चुकी हैं। मेरी सस्पेंशन की वजह से ऑपरेशन केम्पे गौड़ा रुकना नहीं चाहिए। जब हमने मिनिस्टर के बिल्डिंग का डिमोल्यूशन किया तब उसके नीचे से ये लाश मिली। शांति, इस गांव में मैं तेरे लिए ही आया था, तू ही मुझे छोड़कर चली। ये काम उन शैतानों का ही है, तूने नहीं मारा है। शैतान लोग मजदूरों की बलि दे रहे हैं, उन्हें छोड़ना मत बेटा। अमरीश, हमारी बनाई हुई बिल्डिंग को एसआई ने सील कर दिया है। देख लिया ना, तुम जिस मकसद से यहाँ आए हो उसे रोकने के लिए ही वो लोग ये खेल खेल रहे हैं। तुम्हारी बनाई हुई बिल्डिंग को वो माफिया तुमसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सोचो आगे क्या होगा। सुन बेटा, मरने वाले अपने तुझसे इंसाफ मांग रहे हैं, अब उठा ले तलवार। अमरीश, तू दोस्ती जितनी अच्छी निभाता है उतनी अच्छी दुश्मनी भी निभाता है, ये दिखा दे उन शैतानों को। केम्पे गौड़ा के जमाने के काल भैरव के छाप के सिक्के हैं। काल भैरव क्षेत्र रक्षक, मतलब इस क्षेत्र की रक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस इलाके का मालिक शैतानों को धूल चटाने के लिए तुम्हारे रूप में लौट आया है। इंस्पेक्टर साहब, आप देख क्या रहे हो, मुझे बचाओ, वो मुझे मार देगा। अरे मुझे बचाओ, उसे शूट कर दो। ए, ये क्या बड़बड़ा रहे हो? अरे शूट कर दो उसे। हैं? बाप रे, आ गया वो कैंप पे घोड़ा। अरे बाप रे, देखो वो आ गया, देखो वो आ गया, अब मैं नहीं बचूंगा। अरे तुम लोग क्या देख रहे हो, मुझे बचाओ। अरे कुछ तो करो। ए, 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 नहीं, 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 मुझे
मत मारो। दीदी मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे, मुझे मत मारो। हेलो, कौन है? केम्पे कौड़ा, तुमने क्या सोचा था कि जैसा तुम चाहोगे वैसा करके तालाब के ऊपर कब्जा करोगे? अब तुम्हारी जिंदगी भर की कमाई को मैं हड़प कर जाऊंगा। ये सब इतना आसान नहीं है मेरे छोटे। मेरा साम्राज्य बहुत बड़ा है। तेरी तलवार की धार से जो बलि चढ़े हैं वो मेरे सेना के मामूली सिपाही थे। सेनापति कोई और है। चाहे वो जो कोई भी हो, तुम्हारी वजह से हमारे जितने लोगों की जाने गई हैं, उसका बदला मैं तुम्हारे खून से लूंगा। Damn it, Dad, चाहे कुछ भी हो जाए उसे खत्म करने के बाद ही हम अपना अगला कदम उठाएंगे। वो लाशें मिलने की वजह से ही इस मैटर को मीडिया ने इतना उछाल दिया। पुलिस स्टेशन में जो लाशें गिरी हैं वो हमारे लोग हैं। ये खबर उससे बड़ी है, उसकी कोई फिक्र है क्या? पुलिस वाले मरते हैं तो मरने दो, वो हमसे ज्यादा ताकतवर हो रहा है। अब पुलिस डिपार्टमेंट हमारी मदद नहीं करने वाला। अंततः उसका शीश गिरने तक अपने अपने शीश संभाल ले तो अति उत्तम होगा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बेंगलोर के सारे गुंडों के लीडर को इकट्ठा करके उसके लिए नाकाबंदी करवा दूंगा। कुछ ही दिनों में तुम्हें खबर मिल जाएगी कि वो इस दुनिया में ही नहीं रहा। अगर हम उस कैंप पे घोड़ा को यूं ही छोड़ देंगे तो वो आके हमारे सिर पे बैठ जाएगा। आने दो उसे, आने दो। हमारी सारी तलवारों को उसके खून का मजा चखाकर उसके नाम का रक्ताभिषेक करवाऊंगा। उससे पहले तुझे तलवार मैं दिखाऊंगा। हम भागने वाले चूहों में से नहीं है। आज हम लोग सब मिलकर यहाँ खून की नदी बहा देंगे। मैंने खून की नदी में ही तैरना सीखा है और आज तुम्हें उसी नदी में डुबाऊंगा। यहाँ का राजा एक ही है, केम्पे गौड़ा। ए, काट डालो इसको। जी की तलवार से शहर के गुंडों का संहार हुआ। शांति सुख चैन हराम करने वाले सैकड़ों गुंडे आज केम्पे गौड़ा जी की तलवार की धार से अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। हेलो आरडीएक्स, रेड्डी नहीं रहा। व्हाट भाई, उधर देखो। ए, चलो रे, चलो चलो। हेलो, केम्पे गौड़ा ने हमारे आदमियों को मार डाला। चल रे। कैंप पे घोड़ा ने हमारे आदमियों को मार डाला है। चलो 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 चलो।
बेंगलोर के नाजायज तरीके से जब्त किए गए तालाब, जमीन और कुएं वापस करो। रूल्स और रेगुलेशंस मैं नहीं जानता। इस मैप में जितनी भी इलीगल प्रॉपर्टीज है उसे कवर करो। केम्पे गौड़ा जी के राह पर चलने से ही बेंगलोर क्लियर होगा, वरना तुम खुद ही क्लियर हो जाओगे। अम्बरीश सर, ये सभी हमारे बिल्डर एसोसिएशन के मेंबर हैं। हाँ, हमारे एसोसिएशन में आपका नाम जुड़ जाए तो हमें किसी को हफ्ता नहीं देना पड़ेगा। सर, आप जो रेट फिक्स करेंगे हम उसी रेट में फ्लैट बेचेंगे। ये अपार्टमेंट की जो जगह है वो इलीगल है। ये रहे पेपर्स। ए, चल बे, मुझे रोकने की कोशिश करेगा। इंसान मिट्टी की अमानत है और मिट्टी इंसान की अमानत। जान बचाकर जमीन गंवाना चाहता है या जान गंवाकर जमीन बचाना, फैसला तू ही कर। भाई, वो केम्पे गौड़ा तो हमारी सारी इलीगल प्रॉपर्टीज को सील करवाता चला जा रहा है। इसी तरह हम देखते रहे तो वो हमारा जीना हराम कर देगा। भाई, आरडीएक्स से कहो कि जल्दी कुछ करे। सोते जागते तो मुझे वो केम्पे गौड़ा ही दिखाई देता है। आरडीएक्स, तुम कहाँ हो मेरे यार, कहाँ हो? अरे यार, हमारी मौत की खबर के बाद ही आओगे क्या? उसके नाम की बुलेट रेडी है, सिर्फ ट्रिगर दबाना बाकी है। अरे, उसके लिए अभी और टाइम चाहिए क्या आरडीएक्स? नहीं, मैं खुद आऊंगा। कब आओगे? जब वो बुलाएगा। केम्पे गौड़ा जी के हाथों गरीबों को प्रोत्साहन। गरीबों का अपना खुद का घर पाने का सपना अब पूरा होने जा रहा है। जनता ने केम्पे गौड़ा जी को देवता मान लिया है। इस बार के एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है अम्बरीश जी को। अम्बरीश, ऐसी बेलगाम लड़कियों को काबू में करने के लिए रियल एस्टेट के बिजनेस की लगाम तुम्हारे हाथ में ही होनी चाहिए बेटा। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। मुबारक हो सर। कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशंस सर। भैया, रियल एस्टेट में इतना बदलाव आ जाएगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था। और ये सच भी है, इसमें केम्पे गौड़ा जी की ताकत जो है। साहु जी, अपनी भतीजी से ज्यादा आपको वो प्यारा हो गया है? किस भतीजी की बात कर रही हो? जो अपने घर की इज्जत और अपने खानदान की परंपरा का लिहाज किए बिना और मेरी जद्दोजहद को दरकिनार करते हुए पूरी जनता के सामने मेरे नाम पे कालिख पोत दे और मेरी इज्जत को भरे बाजार नीलाम कर दे, उस भतीजी की अपनी इज्जत की परवाह किए बिना उसने मेरी इज्जत पे आंच नहीं आने दी। उसने मेरे माथे पे पुती कालिख धोई है, इसलिए वो मेरे लिए मेरी भतीजी से बढ़कर है। इसीलिए मुझे उस कुर्सी से उतार कर उसे उस कुर्सी पर बिठा दिया। देखते जाइए अब मैं क्या करती हूँ। hey, बैठाने वाले हम कौन है और उतारने वाली तू कौन, ये जनता का फैसला है। जब तक जनता का आशीर्वाद साथ है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कोई भी शक्ति उसे नहीं हिला पाएगी। मैं कसीनो हर हाल में बनाकर रहूंगी, इंटरनेशनल लेवल में टॉप पर आकर दिखाऊंगी। इसके लिए आपका वो सो कॉल्ड अम्बरीश, वही वो मजदूर जो जनता की जान लेने वाला एक गुंडा है। बकवास बंद कर,
अब एक अल्फाज तेरे मुंह से उसके खिलाफ निकला ना तो तेरी जबान काट दूंगा मैं। वो ना तो कोई मजदूर है और ना ही कोई गुंडा, वो इस धरती पर कैंपेगोड़ा का अवतार है। वो मानव के रूप में एक मसीहा है और ये सत्य है। क्या हो गया मंत्री जी, क्या है फोन किए? काम निकला तो हमरी याद आई। अच्छा बताइए बताइए, क्या काम है? आपको ठुमका लगाना है कि हमरे से लगवाना है? अरे तुम क्यों ठुमका लगाओगे यार, उसके लिए हमारे पास बहुत से लोग हैं। तुम तो सिर्फ सौदा के बारे में सोचो। सौदा? इस वक्त RDX एक नया स्टील प्लांट लगाने का प्लान बना रहा है। उसने तेरे एरिया को सेलेक्ट किया है और उसके लिए 2000 एकड़ जमीन की जरूरत है। 1000 एकड़ तो मैं सरकार के जरिए इंतजाम कर लूंगा, बची हुई 1000 एकड़ तुम्हें वहाँ के किसानों से छीन कर लेनी होगी। ये काम हमरे लिए कोनो बड़ी बात नहीं है मंत्री, निचोड़ लेंगे। ये पूरा इलाका का राजा है तुम्हारा ही दोस्त बिहारी। हमारे एरिया में हमरा ही हुकूमत चलता है, ये पूरा जिला हमरा है। पलक झपकते हम जमीन हड़प लेंगे। कब हड़पना है बोलो? जितनी जल्दी ये काम कर दोगे उतना ही अच्छा है। माता कामधेनु, कितने प्यार से खिला रही हूँ तुम्हें, क्यों नहीं खा रही हो? चलो खा लो ना। मुझे एक अच्छा सा लड़का तो दिला दिया तुमने, लेकिन उसमें अक्ल नाम की कोई चीज ही नहीं है। खूबसूरत प्रेमिका शादी की उम्र में भी भटक रही है, लेकिन उसे किसी बात की फिक्र ही नहीं है। चलो वो तो मेरी तरफ देखता ही नहीं है। तुम तो देखो, खा लो ना। ए, क्या है? वो कोई मैरिज ब्रोकर है क्या जो उसको कमीशन दे रही हो? देना ही पड़ेगा ना तुम्हें मेरे हवाले करने के लिए। वो क्यों? और नहीं तो क्या? प्यार करने वाले तालाब के किनारे, सिनेमा हॉल, पार्क, ऐसी जगहों पर मिला करते हैं, और हम मठ में, संगीत विद्यालय, गौशाला, ऐसी जगहों पर मिलते हैं। क्या किस्मत है। चुप रहो। इसमें गलत क्या है? दरअसल सच्चा प्यार तो ऐसी ही जगहों पर मिलता है। यही बात समझ नहीं आती तुम्हारी, तुम्हें जानवरों से जितना प्यार है उतना मुझसे क्यों नहीं है? अरे बिल्कुल है, लेकिन इन बच्चों पर मुझे थोड़ा ज्यादा है। तुम तो अपने प्यार का इजहार कर सकती हो, लेकिन ये तो बेजुबान है, कैसे इजहार कर सकते हैं? जिस घर में पलते हैं उस घर का मालिक सदा खुश रहे, यही दिल से दुआ करते हैं। तुम अब ये कंप्लेन करना छोड़ दो और अपना प्यार पाने के लिए इनसे प्रार्थना करो। माता कामधेनु, मुझसे गलती हो गई माँ। सब लोग तो शादी के बाद मठ में जाते हैं हाथ जोड़ने के लिए, लेकिन हमारा प्यार तो मठ से ही शुरू हुआ है। भगवान के लिए हम दोनों को एक कर दो माँ। ये तुमसे मिलने रोज आएगा, तुम्हारे इन बच्चों को भी ऐसे ही प्यार करेगा। हम इंसानों के पाप धोना प्रभु, हमारा उद्धार करना गुरुवे नमः। अरे मेरे गले में हीरा था, वो कहाँ चला गया? वो अचानक कैसे कैसे गायब हो सकता है? कहाँ गया वो हीरा? अभी तो वो गले में ही था। हाँ देखो कहीं कहीं होगा। ढूंढो ढूंढो, हे ईश्वर, हे ईश्वर, मैंने क्या पाप किया था? शांत हो जाओ। आपने कोई पाप नहीं किया सर, यहाँ पैर रखने वालों के सारे पाप धुल जाते हैं। ये तुंगभद्रा नदी सारे पापों को धो डालती है। पुण्य करने वाला हमेशा किसी चीज को अपने पास नहीं रखता। ये लीजिए। हे ईश्वर, आपकी महिमा कितनी अपरंपार है, आपने दिखा दिया है। ये कहां गया? अमरीश, मेरा ऐसा विचार है कि तुम्हारे कार्य क्षेत्र का और विस्तार होना चाहिए। गुरुजी के आशीर्वाद से गौ संख्या में वृद्धि हो चुकी है। उसके उपरांत मैंने सुना है कि 15-20 ग्वाले अपने गायों को लेकर यहाँ आ रहे हैं। जितने भी आते हैं उन्हें आने दीजिए गुरुजी। मेरी गौशाला मेरे लिए गोकुल है, मैं सबकी सेवा करूंगा। कल्याण हो, शुभम भव। गुरुजी के चरणों में हमारा कल्याण, शुभम भव शिवा, सब गुरुजी का आशीर्वाद है। अम्बरीश, नमस्ते सर। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। इससे पहले कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता, तुम वहां से चले गए। मैं इतना बड़ा इंसान नहीं हूं सर। इस मंदिर में आने वाला हर एक भक्त निराश होकर नहीं जाना चाहिए।
ऐसे में अगर आपका अनमोल हीरा खो जाता तो ये दुख आपको जिंदगी भर सताता। इसीलिए उस महापुरुष ने आपको अनमोल हीरा लौटा दिया। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ। आपको जितना भी शुक्रिया अदा करना है उस महापुरुष का कीजिए। ठीक है बेटा, माना कि ये महापुरुष का ही काम है, लेकिन उसे पूरा वो तुम्हारे हाथों करवा रहे हैं। इधर लाओ, एक छोटी सी भेंट है बेटा, इसे स्वीकार कर लो। नहीं सर, मैं पैसों की इज्जत करता हूँ लेकिन लालच नहीं करता। दुनिया में इंसान पैसों को कमाता है, न कि पैसा इंसान को। इतनी छोटी सी उम्र में तुमने बहुत ज्ञान प्राप्त किया है बेटा। उनकी कृपा ही ऐसी है, एक साधारण इंसान भी खास बन जाता है। आप जिस भी मुराद को लेकर यहाँ आए थे उसे इनके सामने रख दीजिए, वो आपकी मुराद जरूर पूरी करेंगे। हे ईश्वर, हम अदालत में हार सकते हैं लेकिन आपसे हम सच्चाई की जीत की उम्मीद रखते हैं। हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएं, बस यही आशीर्वाद दीजिए। अमरीश, मुझे बैंगलोर यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सीट मिल गई है। ओहो, ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन तुम्हें छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा। क्यों, मठ में रह रहा हूँ तो सन्यासी बन जाऊंगा, ऐसा डर लग रहा है? डर तो लगेगा ही ना, मैं नहीं रहूंगी तो मठ में ही रहकर सच में सन्यासी बन गए तो किसे पता। ए, सुनो, शिव पार्वती जी के भी दो बच्चे थे। मैं इतनी सीरियसली बात कर रही हूँ, तुम्हारे साथ अपना फ्यूचर डिसाइड कर रही हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। ठीक है ठीक है, देखो सच्चा प्यार आग से भी नहीं डरता, वो प्रेमियों को प्यार की भावना देता है लेकिन जलाता नहीं। अच्छा सुनो, इस पूरी सृष्टि को और हर जीव को ब्रह्मा ने बनाया है लेकिन प्यार को इस दिल ने बनाया है, और एक बार प्यार ने जन्म ले लिया तो उसे मिटाने की शक्ति तो शिव भगवान में भी नहीं है। हम चाहे कितने भी डिस्टर्ब हो जाएं पर प्यार कभी डिस्टर्ब नहीं होता। हमारा प्यार तुम्हारे पढ़ाई के बीच में नहीं आना चाहिए, फर्स्ट एजुकेशन, बाकी सब बाद में, ठीक है ना? तुम सबको हम यहाँ काहे बुलाए हैं यही सोच रहे हो ना? अपने गांव में स्टील फैक्ट्री लगने वाला है तो मुख्य बात यह है कि फैक्ट्री लगाने के लिए हम लोगों को 2000 एकड़ जमीन चाहिए। 1000 एकड़ सरकार दे रही है और 1000 एकड़ हमें देना होगा। हम जमीन नहीं देंगे। अगर जमीन नहीं दी तो इस गांव को श्मशान बना दूंगा। ए, यहां जो पहली लाश गिरेगी वो तेरी होगी। ए अमरीश, हमरे काम के बीच में मत आ वरना अच्छा नहीं होगा। माना इस बात से मेरा कोई मतलब नहीं, फिर भी मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। मेरे अपने जुड़े हैं और इन सबसे बढ़कर भी जुड़े हैं मेरे गुरुजी। ए, इसे भगा।
ये सब क्या है? रे 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 रे, आइए मैडम आइए, देखिए मैडम हमारे आदमी को कितना मारा है, देखिए देखिए। छी, एक ही गांव के होकर आपस में इस तरह लड़ते हो? हाँ, एक ही गांव वाले हैं ये, हम समझते हैं, मगर ये पहलवान नहीं समझता। ये झूठ है मैडम, हम बताते हैं, ये सब लोग हमारे नाम का फायदा उठा के जमीन हड़पते हैं और पैसा भी ऐंठते हैं। पहली बार तो हम इन्हें माफ कर दिए, सरकार से स्टील प्लांट बनाने का परमिशन लेकर आए और इन लोगों से बोले कि हमारा जमीन छोड़ दो। यही बात है मैडम, इसी बात को लेकर इस लड़के ने हमारे आदमियों को मारा, इसे अरेस्ट कीजिए। अगर पब्लिक कंसर्न में जनता खुद आगे आकर अपनी इच्छा से जमीन दे तो ठीक है, जबरदस्ती उससे उसकी जमीन छीनने का हक किसी को भी नहीं है। ये बात हम नहीं जानते हैं मैडम, या तो हमारी जमीन दिला दीजिए या फिर हमारा पैसा। अरे कहे का पैसा और कौन सी जमीन, हमने तो आज तक ऐसी कोई बात नहीं सुनी है। सुनोगे भी नहीं, मरने के बाद भी नहीं। चपड़ चपड़ मत करो बुढ़ो, हम नहीं चाहते कि तुम्हारा नुकसान हो। इन लोगों से बोलो कि दे दें रोकड़ा। तुम लोग हमेशा मजदूर और गरीब ही रहोगे, लेकिन सच्चाई का है ये बात तो हम साबित कर देंगे। तुमने मेरे सामने सवाल खड़ा कर ही दिया है, तो जवाब देने की ताकत भी वही मुझे देंगे। कौन देंगे? तुम्हारे वो महापुरुष, ओम श्री राघवेंद्राय नमः, शक्ति दो तथास्तु। लेकिन एक बात याद रखना, ये उत्सव से पहले तू अगर कर्जा नहीं चुकाएगा तो सिर्फ ये जमीन ही नहीं पूरा एरिया हमारा होगा, ये बात याद रखना। गुरुजी, इस सवाल का जवाब आप मुझे जरूर देंगे, ये मेरा विश्वास है। अम्बरीश, तुम जरूर जीतोगे। लेकिन गुरुजी वो, सुनो, तुम आज ही बेंगलुरु जाओ और सूर्य नारायण जी से मिलो। गुरुजी वो मैं, देखो इससे सूर्य नारायण के कष्ट को तुमसे परिहार मिलेगा या तुम्हारे कष्ट को सूर्य नारायण जी से परिहार होगा ये पता चल जाएगा। दिव्य दृष्टि से देखने वाले आप महाज्ञानी हैं, आपका उद्देश्य क्या है ये मैं नहीं जानता, आप मेरा जीवन है ये मैं जानता हूँ। जल्द से जल्द आप मुझे अपने मठ में बुला लीजिएगा, आशीर्वाद दीजिए। ईश्वर सदा तुम्हारे साथ है, कल्याण होगा, जाओ, ईश्वर इसकी मदद करना। सबको छोड़कर जाने का मेरा भी दिल नहीं कर रहा है, लेकिन वक्त और मजबूरी चुनौती को स्वीकार किया है। सारे भगवान तुम में बसे हैं, कामधेनु हो तुम, सब मुझे आशीर्वाद दो। मैं जल्द ही लौट आऊंगा। आप सब कहाँ जा रहे हो? भले मेरी विधि में लिखा हो फिर भी चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होगा ना, हम भी तुम्हारे साथ मेहनत मजदूरी करेंगे और जो चार पैसे कमाएंगे उनमें से कुछ बचाएंगे भी, इनकार मत करना। अम्बरीश, तेरे सिवा हमारा कौन सहारा है बेटा? हाँ, हम सबको भी अपने साथ ले चलेगा ना, बोल। हाँ, एक इंसान को पहचाने बिना उसे घमंड के तराजू में तोलना बहुत बड़ी भूल है। तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करके वो आज कहां से कहां पहुंच गया, पूरा शहर उसके साथ है। वो लोग महज मजदूर नहीं है, लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम सबको वक्त के साथ बदलना चाहिए। देखो बेटी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम ये घमंड और पागलपन छोड़ के उन शैतानों के ग्रुप से वापस लौट आओ। देखो बेटा,
जीने के लिए इंसान को रोटी की ही जरूरत होती है, दौलत उस भूख को नहीं मिटा सकती। स्मिता, अब तो तुम बात समझ जाओ बेटा। स्विस बैंक में अकाउंट चाहिए या ऑस्ट्रेलिया में आइलैंड चाहिए, बोलो। लेकिन रियल एस्टेट को इतना मत गिराओ, इससे हमारी वैल्यू कम हो रही है। तुम्हें जो चाहिए वो इसमें है, ये लो, ये है तुम्हारी वैल्यू। जन्म माँ देती है, विद्या गुरु देते हैं, अक्ल बाप देता है, जिंदगी हमारी है और मौत ऊपर वाला देता है, लेकिन ईमान ये अम्बरीश देता है। आजकल बेंगलुरु बहुत बदल गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं मैम? देखिए, हमारा संघर्ष है सच्चाई का आईना दिखाना, और इसका श्रेय जाता है कैंपेगोड़ा जी को। हम शांतिपूर्वक इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे, लेकिन हाँ, कैंपेगोड़ा जी ने क्रांतिकारी इतिहास रच दिया है। ये अम्बरीश कैंपेगोड़ा कैसे बन गया? कैंपेगोड़ा एक डर है या सच्चाई? दोनों। वो मानने वालों पर डिपेंड है, जो प्यार से हाथ बढ़ाता है उसके लिए वो अम्बरीश है, और शैतानों के लिए वो कैंपेगोड़ा है। आपने जो कैंपेगोड़ा ऑपरेशन शुरू किया था वो पूरा हो गया है? अभी नहीं, लेकिन काफी हद तक पूरा हो चुका है। इसलिए आज बैंगलोर में इतना बदलाव आया है। अब हम उन सभी लोगों को नोटिस भेज रहे हैं, लेकिन इस बदलाव के नाम पर चारों तरफ खून खराबा ही हो रहा है, क्या ये गलत नहीं है? जब जब धर्म युद्ध हुए हैं तब तब खून की नदियां बही हैं, और वो युद्ध श्री राम के युग में भी हुआ था, श्री कृष्ण के युग में भी हुआ था, और आज कैंपेगोड़ा जी कर रहे हैं, और उनका ये प्रयास सिर्फ सच्चाई को बचाना है और कुछ नहीं। मतलब आप इसका समर्थन कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो ये फैसला जनता पर छोड़ देते हैं। हम बहुत दिनों से पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, और उनकी हर हरकत पर नजर भी रख रहे हैं। मैसेज के जरिए आप लोग हमें अपनी राय भेज सकते हैं। ये सब का हंगामा हो रहा है। हेलो ऑडियंस, नहीं चिल्लाओ मत, कुत्ते के भौंकने और शेर की दहाड़ में बहुत फर्क होता है। रायचूर के मेरे स्टील प्लांट को रुकवा कर तूने बहुत बड़ी गलती की है, और अब मेरे कैसिनो प्रोजेक्ट को भी रुकवा दिया। ए, तू क्या बैंगलोर को सुधारेगा? तू साक्षात कैंपेगोड़ा क्यों ना हो, फिर भी मैं किसी भी कीमत पर वो जगह नहीं छोड़ूंगा, हर हाल में कब्जा करूंगा कैंपेगोड़ा के नाम से। क्या बिगाड़ पाया है तू? मेरा पार्टनर बन जा, मिलकर राज करेंगे हम दोनों। बैंगलोर के रूलर सिर्फ कैंपेगोड़ा है, तू कहीं और बैठ कर बैंगलोर में पतंग क्यों उड़ा रहा है? तेरा मांजा मैं ही काटूंगा। मतलब पूरे बेंगलोर शहर पे अकेले राज करना चाहता है? दफन कर दूंगा तुझे, I'll finish you। पहले इस मिट्टी पर कदम तो रख के दिखा, फिर दफन करने की सोचना। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुन, मैं तुझे 11 दिनों का समय देता हूँ, और 12वें दिन मैं दूंगा तुझे डेडलाइन। उससे पहले तुम्हारी सारी नाजायज प्रॉपर्टी स्टेट गवर्नमेंट के हवाले कर दो, वरना उसी दिन तू हो जाएगा डेड। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी प्रॉपर्टी को सील करवा रहे हो? मैं अब एक मिनट भी इस एग्रीमेंट के लिए राजी नहीं हूँ। अभी क्या, अभी इसे कैंसिल करो। अरे शांत हो जाओ मैडम, हमने कभी तुम्हारे नाम का टिकट बुक किया ही नहीं जो कैंसिल करो। मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट का एग्रीमेंट है। बड़े बड़े लोग जब एग्रीमेंट में साइन करते हैं तो छोटी छोटी बातें पढ़ना भूल जाते हैं। So bad। इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनके मुताबिक फाइनेंस से लेकर सारी छोटी बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। ऐसे में अगर किसी भी वजह से वो प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाया तो आपकी कंपनी से लेकर सारी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को जब्त कर दिया जाएगा, ऐसा आपने खुद इस अग्रीमेंट पर साइन किया है। How dare you? मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, किसी को नहीं छोड़ूंगी, तुम में से किसी को नहीं। You will have to pay for this। मैडम मैडम मैडम, कागजात पर दस्तखत का मतलब आप हमारे कब्जे में। कन्या, ऐसे कार्य तो हम करते ही रहते हैं। तुम्हारे ताऊजी हम लोगों को सड़क पर लाना चाहते थे ना, लेकिन उस बूढ़े की भतीजी को हम अपने कब्जे में रखकर उसे कैसे सड़क पर लाते हैं देखती जा तू। क्यों मैडम, तुम तो अभी तक डॉलर में ही स्नान करते आई हो ना, लेकिन अब रुपया, रुपया के लिए हम तुमसे कैसे भीख मंगवाते हैं ये तुम देखती जाओ। लेकिन उससे पहले हमें तुमसे एक फायदा उठाना है।
कैंपेगौड़ा। मैं एक मामूली इंसान था, लोगों ने मुझे आपकी जगह बिठा दिया। मैं उस नाम को बचा पाऊंगा या नहीं, लोगों के विश्वास को निभा पाऊंगा या नहीं, ये मैं नहीं जानता। इस जगह के लिए मैं ठीक हूं ये भी मैं नहीं जानता। सिर्फ आपके बताए रास्ते पर चल रहा हूं। अगर कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ कीजिएगा। जनता तुम में कैंपा घोड़ा को देख रही है और वो सच भी है। विश्वास से बढ़कर कुछ नहीं है। इस स्थान के लिए जब मैंने तुम्हें चुन लिया है तो फिर सवाल खड़ा करने का हक किसी को नहीं है। देखो, मैंने बैंगलोर शहर बसाया इंसानों के रहने के लिए, हैवानों के लिए नहीं। इंसान जब अपनी हद भूल जाता है तो प्रकृति उसे सबक सिखाती है। जब प्रकृति पर विपदा आती है तो युग पुरुष को जन्म लेना ही पड़ता है। सुनो, मेरी तलवार उठाने की हिम्मत सिर्फ तुम में है, लेकिन इस तलवार की धार को रोकने की हिम्मत किसी में नहीं है। जाओ, इस धर्म युद्ध में जीत तुम्हारी ही होगी। वेलकम भाई। नमस्ते भाई। अब मैं यहाँ आ गया हूँ, पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। प्लीज। कूल माय बॉयज, वो कहाँ है? गुडाउन में भाई। उस कैंपे घोड़ा की कहानी खत्म करके फिर तेरे ताऊ को और तुझे हम एक फिनिशिंग टच देंगे। तेरी इतनी हिम्मत, पहले मेरा हाथ खोल फिर बताती हूँ। ए मंत्री, लड़कियों पर हाथ नहीं उठाया जाता, सिर्फ सहलाया जाता है। क्या है ना आरडीएक्स, ये मुझसे ये सवाल कर रही थी कि तुम्हारा आरडीएक्स मर्द है या नहीं। ए, ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई? अगर मेरी मर्दानगी को लेकर इसके मन में कोई सवाल है तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। नाइस फिगर। नाइस स्ट्रक्चर। मदहोश कर देने वाली खुशबू है, बहुत मजा आएगा। वाह कैंपे गौड़ा, you
भाई, भाई, इसे शूट करना होगा। ये सारे लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। वाह वाह वाह, तुझ जैसे आदमी के पीछे इतने सारे लोग खड़े हैं, मानना पड़ेगा तुझे। फैक्ट्री में ही बुलेट डाल देता, लेकिन तेरी हिम्मत देखने का मन कर रहा था। ये तलवार उठाने की हिम्मत सिर्फ तुझ में ही क्यों है, किसी और में क्यों नहीं है? ए! अम्बरीश के अंदर जो ताकत है वो किसी शेर से कम नहीं है। बुढ़ो, तेरा घमंड अभी तक नहीं गया क्या? ए! मैंने तुझे उस दिन भी समझाया था, हिस्ट्री क्रिएट नहीं होती है, रिपीट होती है। देख ले, तेरे सामने कैंपेगौड़ा जी खुद खड़े हैं। सुला दूंगा सबको। इस आरडीएक्स के पास सिक्स सेंस नहीं, सेवन सेंस है। इस जगह के चारों तरफ आरडीएक्स बॉम्ब फिक्स कर दिए गए हैं। कोई भी अपनी जगह से हिला तो याद रखना, ये हैं आरडीएक्स बॉम्ब। अब ये सब बॉम्ब, अगर मैंने इस बटन को प्रेस कर दिया तो सब के सब खलास। भाई, सुपर। बेटी। ये लड़ाई सिर्फ तेरे और मेरे बीच में है, इन बाकी लोगों को बीच में मत ला। अगर इनको कुछ हो गया तो तेरे साथ कुछ और ही होगा। वो सब का फैसला हम करेंगे। हाँ, अगर तू इस सब की जिंदगी चाहता है तो तू वो महापुरुष की तरह जिंदा समाधि ले ले। अमरीश, नहीं। अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो ये सब लोग मरेंगे। बालक, आज तुझे जनता का ऋण उतारने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। अपने लिए तू जनता की बलि लेगा या जनता के लिए तू अपनी बलि देगा, ये तुझे सोचना है। मुझे अपने आप से ज्यादा प्यारे मेरे अपने लोग हैं। बाप रे बाप, कैंपेगौड़ा, तू कोई सरकार है या फिर सरदार है जो हम सब कुछ तेरे नाम कर दें? हमारी सांसें रोकेगा? हाँ, ओए बेटा, जो इसे सबक सिखा दे। तू इसी जगह पर पैदा हुआ था ना, और यहीं पर तेरा अंत भी होगा। कोई बचाओ। तूने हमारे बहुत लोगों का खून बहाया है। मेरा बच्चा, मत मारो उसको। महान बनता है जलूट। एक इंच आगे बढ़ा तो यहीं जिंदा गाड़ दूंगा, यही कहा था ना? अब देख, किसी जगह पर हम तेरी समाधि बनाएंगे। माजी। उठ। हमारी खातिर छोड़ दो। ठहरो, तनिक शांति से काम लो। इसे स्वयं ही अपनी समाधि लेने दो, उस महापुरुष की तरह। ओए, खोदो गड्ढा। महापुरुष है भाई। छोड़ो मुझे। बेटा अमरीश, हाहाहाहा।
गरीबों का मसीहा बनकर आए हुए देवता को इन शैतानों ने जिंदा जमीन में गाड़ दिया। मेरा बच्चा। केम्पे गौड़ा के जाने के बाद उसकी तलवार का यहाँ क्या काम, उसे भी आज मैं ठिकाने लगा देता हूँ। अम्बरीश, तुमने इस शहर का नक्शा ही बदल दिया। तुम्हारा गांव लौटना जरूरी है क्या? वहां मेरी गौशाला इंतजार कर रही है और मेरे गुरुजी भी। मैं चलता हूं। अम्बरीश, बाय। हैप्पी जर्नी। चलता हूं। बाय। अगर फिर से यहां माफिया का तांडव शुरू हो गया तो उसे रोकने वाला यहां कौन है? तब केम्पे गौड़ा वापस लौट आएंगे।